नाउ फ्रेंड्स, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स, मैं आपको मैथ्स के जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो सिंपली आज जो हमारे क्वेश्चंस चलेंगे वो चलेंगे, चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं आपको बायलैंगुअली ही समझा दूंगा कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर कैसे किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ को हिंदी में जो है, क्योंकि हमारी जो पुलिस भर्ती परीक्षा है इसमें एलसीएम को ल स ब बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक, क्योंकि पुलिस की भर्ती में परीक्षा में जो है पेपर जो है वो एक ही लैंग्वेज में आता है, वो होता है आपका हिंदी मीडियम में, इसलिए मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में बायलैंगुअली इसको समझाऊंगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हिंदी में हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले एलसीएम की बात करें कि एलसीएम होता क्या है या एलसीएम को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ नोट्स भी साथ में अपने साथ लाया हूँ, आप को दिखाई दे रहे होंगे। हमारे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है कि 16, 32 और 48 का एलसीएम फाइंड आउट करना है कि एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, एलसीएम निकालने के मेथड डिफरेंट होते हैं। देखें, आपको मैं आपको सबसे पहले आज फर्स्ट मेथड बताऊंगा एलसीएम निकालने का। एक जो कॉमन हम सभी लेते हैं 16, 32, 48, एक कॉमन टेबल से इसको हम डिवाइड करेंगे, जो मैक्सिमम को डिजिट्स को डिवाइड करें वही डिजिट लेना होता है। जैसे कि 2 2 2 2 6 12 2 2 4 2 4 8 2 6 फिर से 2 4 8 2 8 16 2 1 2 2 2 4 2 से 2 2 4 2 4 8 2 6 12 2 से फिर से चला जाएगा ये 2 1 2 2 2 4 2 3 6। आपने वही डिजिट लेना है जो मैक्सिमम को काट दे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 4 2 8 2 16 2 32, और 32 into 3 यानी कि आपका आ गया 96। तो आपका जवाब जो है फ्रेंड्स 96 इसका आंसर है, ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं अब एलसीएम निकालने के लिए। डिजिट्स वही रहेंगे 16, 32 एंड 48। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, 16 के लिए सबसे पहले अलग 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 का फैक्टर्स बना सकते हैं, जैसे 48 का अलग से बनाइए, 32 का अलग से बनाइए, 16 का अलग से बनाइए। एग्जांपल के लिए जैसे अब 16 का बनाना है तो 2 से लीजिए, 2 8 16, 2 से 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 से फिर से जा रहा है, ये भी जा रहा है, कैसे जा रहा है 2 1 2, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये भी 2 से ही जा रहा है 2 2 4, 2 4 8, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, और 2 3 6, 3 1 3। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एलसीएम निकालना है इस प्रकार से, इसी में मैं आपको एचसीएफ भी सिखा दूंगा साथ में ही, यानी कि महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम को देखें फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो लिख लीजिए 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लिख लीजिए 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसलिए लिख लो 2। अब फ्रेंड्स,
यहाँ पे तो सभी ले लिए हमने कॉम्बिनेशन में, तो फ्रेंड्स ये टू है मगर यहाँ पर नहीं है तो भी ले लीजिए टू, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिजिट्स को लिया जाता है। यहाँ पर थ्री है मगर इन में नहीं है मगर इसमें भी लिया जाएगा, और आप इसको भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 96। तो दूसरा मेथड था फ्रेंड्स, मगर मैं आपको साथ में इसमें HCF भी निकालना सिखा दूंगा। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखें इसी क्वेश्चन को, 16, 32 और 48 का HCF कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 भी आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है मगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वही डिजिट लेंगे जो तीनों में कॉमन होते हैं। अगर चार डिजिट हैं तो चारों में कॉमन होंगे, दो हैं तो दो में कॉमन होंगे, तो दोनों के लेंगे। इसी प्रकार से देखिए 3 है तो 3 वन में है, औरों में नहीं है, तो नहीं लिया जाएगा। तो HCF कितना हुआ है, 2 × 4 × 8 × 16, तो HCF इज 16। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई एग्जाम्स में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी में, लाइक मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बता रहा हूँ कि 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 × 3 × 1 2 की पावर 4 × 3 × 1 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 7 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 7। अब लाइक इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको पूछा है इनका आप LCM फाइंड करें, इनका आप HCF फाइंड करें, तो किस प्रकार करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए, इसमें देखिए पावर कितनी है 2 की 3, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 2, तो मैक्सिमम कितनी है 2 की पावर 4, इसलिए 2 की पावर 4 आ गया। नेक्स्ट 3 की पावर 1 है, यहाँ पे जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3। अब मैक्सिमम कितनी है 3 की पावर 2, यहाँ पे 1 है और 1 हर जगह है, अच्छा वो कॉमन ही रहता है। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, फिर भी 7 आ जाएगा। ये आपका LCM फाइंड आउट हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें HCF निकालना है सेम इन्हीं डिजिट्स का, कैसे निकालेंगे, इसमें मिनिमम को लिया जाता है। 2 की पावर यहाँ कितनी है 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मिनिमम कितनी है 3, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है मगर यहाँ पर नहीं है, इसलिए 7 नहीं आएंगे, तो इसका HCF ये होगा, या आप 12। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप LCM और HCF इन फैक्टर्स का भी निकाल सकते हैं इस माध्यम से। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे इन क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस हैं आप राइट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन है आपका 12, 48, 72, 120 का LCM फाइंड करें, तो आप साथ साथ फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए टाइमिंग चालू हुआ है, आप समय पर आप ये सारे क्वेश्चंस कवर अप करें वीडियो को रोक कर, और इन सभी क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करें। तो मैंने आपको LCM के सभी क्वेश्चंस का आपको बता दिया है, ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये इनके आंसर्स हैं। तो फ्रेंड्स इन आंसर्स के साथ आप मैच कर लें, टैली कर लें कि क्या ये आंसर्स आपके जो निकले हैं वो सही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी हमें जाना है 8
सितंबर को एग्ज़ाम की तारीख है, पालमपुर में भर्ती होने जा रही है। पालमपुर में 13 सेंटर हैं जो यहाँ के स्कूल कॉलेज और मैरिज पैलेसेस में रखे गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं टॉपिक पे जा रहा हूँ। टॉपिक नेक्स्ट आ जाता है हमारा HCF। नेक्स्ट आ जाता है हमारा HCF। HCF मतलब महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स बहुत ही है, सिंपल ही है। HCF कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे साथ पूछे गए थे यहाँ पर एकेडमी में भी। कई बच्चों ने जब हमसे क्वेश्चन पूछे, सर आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, तो बताने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने सभी की प्रैक्टिस के लिए जो है अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस की जो लिस्ट बनाई है। तो इसमें HCF कैसे निकाला जाएगा, देखिए 3684 ये एक छोटा डिजिट है। मैं इसको डिजिट को क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अदर क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है 18, 42 and 102। ये इसलिए लिया क्योंकि ये दो डिजिट नंबर है और फ्रेंड्स कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्री डिजिट नंबर्स में आता है। तो मुझे कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर नहीं, आप मुझे थ्री डिजिट में आओ, फोर डिजिट में आओ, तब क्या होगा। क्योंकि महत्तम समावर्तक जब हमें निकालना हो, तो जैसे कि हमें दो डिजिट में निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। अब इसमें बड़ी संख्या जो है वो 84 है, इसमें 36 है। डायरेक्ट पता लग रहा है कि जो बड़ी संख्या है उसको हम अंदर लिखेंगे और जो छोटी संख्या है इसको हम बाहर लिखेंगे और उससे हम कम्बिनेशन से HCF निकालेंगे। जब तीन संख्याओं में आ जाता है तो सर कैसे किया जाए। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि आपने इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी से पटाख करके आप जो है उसको अंदर लिख लीजिए और छोटी संख्या जो है उसको बाहर लिख लीजिए। अब जो इसके नज़दीक की वैल्यू होगी, जैसे कि आपके पास सामने है, जैसे 42 है। अब 42 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी जो संख्या है जो इसके नज़दीक से नज़दीक चले जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं 42 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 168 होता है, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 126 होता है। अब देखें हमें जो है यहां पे 102 चाहिए, यानी कि हमारा जो है 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84 है, यानी कि हमारा इसके नज़दीक का कौन हो गया, 84। और अब 84 जो है वो इससे लेस कर लीजिए तो कितने बच गए आपके, 18। अब आपने अंदर बाहर तब तक चलाते रहना है क्वेश्चन को जब तक ये जीरो नहीं आए। अब 42 अंदर आ जाएगा, अब 18 2 36 6 आ गया, अब 18 अंदर आ जाएगा, 6 3 18 कैंसिल आउट हो गया, देख सकते हो जीरो आ गया है। तो यहाँ पर हमारा ये, अगर हमें इन दोनों डिजिट का ही निकालना होता HCF तो हमारा आंसर होता 6। मगर अभी हमारे पास संख्याएं कितनी दी गई हैं, तीन संख्याएं। तो तीसरी के साथ कंपेयर करिए, तो तीसरी संख्या क्या है, 18 है, और जो हमारे दो संख्याओं का HCF निकला है वो कितना निकला है, 6। इसलिए बड़ी संख्या को अंदर लिख लीजिए, छोटी संख्या को बाहर। 6 3 18, यानी कि आपका आंसर इज 6। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से HCF आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको LCM के टाइम में बताया था, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन सभी देने जा रहा हूँ, तो आप इस टाइप से इसको रिव्यू मारकर बार बार देख लें कि हाँ ये क्वेश्चंस HCF निकाला कैसे जाता है, तो उस वे से आप HCF को फाइंड आउट करें। तो ये क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स,
इनको आप ध्यान से देखें, इनके साथ में मैंने आंसर भी दिए हैं, 7 है, जैसे 1 का 72 है, ये दिए हैं ब्रैकेट्स में, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीन को होल्ड करें और पॉज करके वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को देने के लिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस की। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने मैंने लिखे हैं, क्योंकि हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सभी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट टाइप्स पे हम अभी जाने वाले हैं जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख लें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप पे अब मैं जा रहा हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप आ जाता है कि SCF और LCM जो है अगर फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन को मतलब हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न मतलब जो मिक्स में भी फ्रैक्शंस होते हैं, जिसको हम संज्ञा में बोलते हैं कि हाँ मिक्स में लिख दिए जी, जैसे कि 1 सही 1/2, मतलब तो इसका 3/2 है, पर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस हों तो किस प्रकार से हम करेंगे, इसके लिए हमें एक छोटी सी एक ट्रिक है वो याद रखनी चाहिए। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपसे अगर कभी भी एक्स ओवर वाई में कभी भी आपको पूछा हो एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, तो अगर आपसे पूछा है फाइंड द एलसीएम, तो आपने क्या करना है, आपने अंशों का एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समवर्तक, और हरों का एचसीएफ निकालना है। अंश मतलब न्यूमिनेटर का एलसीएम और हर मतलब डिनोमिनेटर और उनका एचसीएफ। उस माध्यम से आप फ्रैक्शन के किसी भी प्रश्न का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपसे HCF फाइंड आउट करने को कहा है कि HCF निकालिए, तो आपने न्यूमिनेटर का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है, यानी कि अंशों का HCF हो गया महत्तम समवर्तक और हरों का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम हो गया। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से क्वेश्चन है आप समझ चुके हैं। मैं आपके सामने अब एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल के 5/7 है, 7/8 है, 8/9 है, और इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसका एलसीएम। तो भैया, आपको जैसे मैंने बताया कि ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, तो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं भैया, मैंने फटाफट बताया, फटाफट आप इकट्ठा लिख लो। 5, 7, 8, देखिए ये सभी एक ही टेबल में आते हैं जी, नहीं ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टेबल के हैं, तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है जी, 5, 8, 40, 40 को 7 से गुणा कर जो, 7 चौके 28, 280, तो इसका कितना आ गया जी ऊपर वाले का एलसीएम 280। ये आपको तीसरी ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, आपको निकालना है एचसीएफ, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 8 जो है वो 2 से ही जुड़ा है, और 9 जो है वो भी किसी के टेबल में नहीं आता है, इन दोनों का, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ जो है वो मिनिमम 1 होगा कॉमन, और कुछ नहीं होगा, इसलिए आंसर इज 280। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आप
जो हैं किसी भी डिजिट का आप डायरेक्ट लिंक समझ लें कि किसी के का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हर बार मिनिमम को उठाया जाता है HCF के केस में। याद रखिएगा भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिमम को उठाया जाता है HCF के केस में, और LCM के केस में मैक्सिमम को लिया जाता है। LCM के केस में किसको लिया जाता है, मैक्सिमम को, और HCF के केस में मिनिमम को। तो ये आपको ध्यान से रखना है भैया। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले आया हूँ, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं सभी के सभी। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने जा रही है, ना कि एक पुलिस के एग्ज़ाम की मैं बात करूँगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्पफुल है। देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चंस को, और मैं ये कहूँगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने आपको करवाया वैसे मैंने आपको समझाया। अब आप प्रैक्टिस करें इन सभी नोट्स की कि कैसे ये सॉल्व किए जाएंगे फ्रेंड्स, और इन क्वेश्चंस को बारीकी से आप सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें, सारे क्वेश्चंस के हल हैं, सॉल्व करते जाइए बारी बारी और सॉल्यूशन निकलेगा। और इस वीडियो में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, अगर ये आपको हेल्पफुल रहती हैं तो मैं आपको और इसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी और उत्साह मिलता है, और मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा। फिर क्या आप इससे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, कमेंट में जाकर आप मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि हाँ सर आपका पढ़ाया कितना आपके काम में आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट लेवल यानी कि लेवल नंबर या टाइप नंबर 3 आ गया है इसी चैप्टर का। इसमें मैं सभी टाइप्स को ले लूँगा, अगर पुलिस के लिए ये सभी मैं बोलूँ तो पुलिस के सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे, हिमाचल पटवारी के लिए सभी टाइप कवर हो जाएंगे। आप ऑनलाइन यहाँ पे घर बैठे ही यहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा कि आप एक ट्रिक याद रखें, क्या LCM into HCF equal to product of first number into second number। मुझे लग रहा है कि आपको इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स को कुछ को, तो मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करता हूँ दोस्तों आपके लिए। LCM मतलब महत्तम समावर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक, HCF महत्तम समावर्तक बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू आल्सो LCM इनटू HCF। अब इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला प्रश्न इसमें ये आता है कि किसी दो संख्याओं का LCM ये है, HCF ये, यानी कि महत्तम समावर्तक ये है, लघुत्तम समावर्तक ये है, और एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कई बार ये होगा कि दो संख्याओं के गुणजों का औसत या दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उन संख्याओं का LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक इतना है और महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जाए फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। क्वेश्चन एक मैं लेके चल रहा हूँ,
देख सकते हैं आप, दो संख्याओं का एलसीएम 225 है। अगर फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको समझ नहीं आया है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो देखें, इस टाइप नंबर 3 में दो संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स। तो एग्जाम में हमें फटाफट ये माइंड में बिठा कर रख लेने हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। एलसीएम बोला है, एलसीएम की जगह भर दो। एलसीएम क्या है? 225। एचसीएफ 5 बराबर है एक संख्या कोई भी, पहली या दूसरी, मान लीजिए 25 बराबर है दूसरी संख्या ज्ञात करिए यानी कि x। 25 एक कम 25, 25 ना है 225 और 9 पाँच 45 यानी कि आंसर इज 45। बहुत ही सिंपल ही फ्रेंड्स, ये टाइप आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। आप इस ट्रिक को जो है नोट कर लीजिए ध्यान से, बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके सामने आ चुकी है। तो इस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब होगा। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, फिर से एक और बताता हूँ आपको। दो संख्याओं का एचसीएफ, मेरे को फ्रेंड्स का अभी साथ साथ में कॉल भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि हाँ सर ये आप और बताइए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ सेम इसी की रिवीजन के लिए। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 693 है, 693। यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स फटाफट अपनी ट्रिक, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फ्रेंड्स कैसे होगा, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, एचसीएफ कितना है 11, एलसीएम कितना है 693, 693 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 77, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या ज्ञात करो, फाइंड करनी है सेकेंड नंबर, ओके एक्स मान लो। अब क्या होगा, 77 से इसको डिवाइड करना है, 693 इंटू 11 ओवर 77, तो इसको काट दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ गया जी, x बराबर है 99। तो ये आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस और ले आया हूँ, अगर आप चेक करें तो आप इस स्क्रीन को आप पॉज करें और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, फिर मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सजेशन दें और फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमें ये हेल्पफुल रहता है कि हम किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी युवा तक जुड़ सकें। तो आप फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस के साथ में आंसर दिए गए हैं, आप इस टाइप को कवर करें और क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इसी टाइप के हैं ये सभी क्वेश्चंस, इसी टाइप में जा रहे हैं मैं आपके सामने। आप पॉज करके इसको क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करें। फिर बताएं आपकी कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो फ्रेंड्स तो आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, अब टाइप 4। टाइप 4 जो है इसमें इसी चैप्टर में है, रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, इन क्वेश्चंस के बाद में लास्ट में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं।
दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 13 है तो संख्याएं क्या होंगी। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और उनका महत्तम समावर्तक यानी कि SCF 13 है तो संख्याएं क्या होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, साथ में ही दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका LCM 150 है। देख सकते हैं दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, LCM इज गिवन 150, तो संख्याएं क्या होंगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप में जो टाइप नंबर 4 है इसमें क्वेश्चन में कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल ही है। देखिए कई बार क्वेश्चंस में रेशोज में कई बार आपको एलसीएम दिया होगा, कई बार एचसीएफ दिया होगा, कई बार रेशो 3 में भी आ सकती है, जैसे कि 1:3, 1:2:3। तो आपको डरने का नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास रेशो दी है और उस रेशो में आपके पास अगर एचसीएफ दिया है तो आपने उस रेशो का एचसीएफ ही निकाल देना है, यानी कि रेशो का क्या निकाल देना है, एचसीएफ। अगर आपके पास एलसीएम दिया है तो उस रेशो का क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, अगर मुझे कोई बोले कि आप करें तो मैं तो बोलूंगा भैया ये इन दोनों अलग अलग टेबल के हैं इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा, तो x इक्वल टू 13। ठीक है भैया, अब आपस में इन दोनों को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, तो 195 और 143 आपका आंसर आ जाएगा गुणा करके। मल्टीप्लाई करना है भैया, ध्यान से सुन लीजिएगा, मल्टीप्लाई, और ये संख्याएं निकल गई दोनों। फिर से नहीं समझ आया तो फिर से देख लो भैया, एलसीएम पूछा है, एलसीएम गिवन है, दोनों संख्याएं निकालनी है, एलसीएम गिवन था इसलिए हम अनुपात का निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग टेबल के हैं इसलिए इसमें क्या करते हैं हम, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 = 150 x = 150/6, तो कितना आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, इस 25 को लीजिए इससे इससे मल्टीप्लाई कर दिए 50 और 75, तो आपकी ये संख्याएं निकल गई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें, बार बार आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि 8 सितंबर को पालमपुर में आपका एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं लिस्ट और इनके आंसर की जो है वो साथ साथ में मेंशन की हुई है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स तो बेस्ट एंड बेस्ट आपको जो हैं ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे।